मोदी सरकार ने अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए कमर कस ली है। पहले सरकार ने बैंकों को 70,000 करोड़ की संजीवनी देने का ऐलान किया और अब बैंकों के मर्जर करने का ऐलान किया है। वित्त मंत्री ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या 18 से घटाकर 12 करने का ऐलान किया। 6 छोटे छोटे बैंकों को 4 बड़े सरकारी बैंकों में मर्जर किया गया है। बैंक मर्जर को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस कॉन्फ्रेंस में $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के सपने को लेकर वित्त मंत्री ने कहा कि 2017 में देश की अर्थव्यवस्था $2.6 ट्रिलियन थी। 2024 में हम $5 ट्रिलियन के लक्ष्य को जरूर हासिल करेंगे। बैंकिंग सेक्टर को लेकर उन्होंने कहा कि हाल फिलहाल जितने फैसले लिए गए हैं उसमें NPA में भारी कमी आई है। वित्त वर्ष 2018-19 में लोन रिकवरी 1,21,076 करोड़ था, साथ ही NPA का स्तर 7.9 लाख करोड़ पर पहुंच गया है। पहले बैंकों पर 8.86 लाख करोड़ के NPA का बोझ था।